हे गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम के ऐसे फीचर्स के बारे में, जैसे कि अपन को भी पोस्ट को या फिर इसको अपन सेव करते हैं तो ओनली अपने अकाउंट के ऊपर ही वो यहाँ पर सेव होती थी। बट इंस्टाग्राम ने अपडेट ला दिया कि जैसे कि अपन को भी पोस्ट को या फिर इसको अपन सेव करेंगे तो जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे इस फ्रेंड के पास में भी ये वाली पोस्ट या फिर इस वीडियो सेव हो जाए तो आप बहुत ईजिली कर सकते हो। तो आपको ये वाला फीचर्स कहाँ पर मिलेगा एंड इस फीचर को अपन को कैसे यूज़ करना है वो आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाला है। तो आज का ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी हेल्पफुल भी होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल के ऊपर पहली बार आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि सबसे पहले आपके पास में वीडियो पहुँच जाए। तो आज का ये वीडियो अपने यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट करते स्टार्ट। गाइस, सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम को अपडेट कर लेना, अपडेट करने के बाद में आपको भी ये वाला फीचर्स देखने को मिल जाएगा। अपन चलते मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। बेसिकली आपको अपने इंस्टाग्राम को कर लेना ओपन। ओपन करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चले जाना यहाँ पर रील्स वाले सेक्शन के ऊपर एंड यहाँ पे जाने के बाद में आपको कोई सी भी आपको रील को आपको कर लेना सेव। जैसे कि अपन को सबसे पहले जाना पड़ेगा इस थ्री डॉट के ऊपर, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको सेव का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा तो आपको कर देना सेव के ऊपर क्लिक। यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ट्राई इट नाउ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा तो आपको यहाँ पे कर देना क्लिक। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते तो इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे कोलैबोरेटिव ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको इसको कर देना है एनेबल। अगर मान लीजिए आपके पास में ऑलरेडी डिसेबल है तो आपको सबसे पहले इसको एनेबल कर लेना। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा यहाँ पे कलेक्शन नेम। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नाम आपको टाइप करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ, विक्कू में टाइप कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि यार आप चाहते कि मेरे जो भी रील्स में सेव कर रहा हूँ मेरे इस फ्रेंड के पास में अभी ये वाले रील्स सेव होने चाहिए। जैसे कि मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ एंड जैसे मेरा ये वाला अकाउंट है तो इस अकाउंट के ऊपर भी ये वाले रील्स सेव हो जाएगी। जैसे आप सिलेक्ट कर लेते हो तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेव वाला। तो सिंपली आपको यहाँ पे सेव के ऊपर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप सेव के ऊपर आप क्लिक कर देते हो, जो भी मेरी ये वाली रील्स है मेरे पास तो सेव हो ही चुकी है एंड जो मेरा सेकेंड अकाउंट है वहाँ पर भी सेव हो चुकी है। देखे सबसे पहले आप ये वाली रील्स आप देख सकते हो। जैसे कि मैं जाता हूँ यहाँ पे थ्री डॉट के ऊपर एंड मैं जाता हूँ यहाँ पे सेव के ऊपर, ओके। एंड मेरा जो सेकंड अकाउंट है वहाँ पे भी आपको एकदम लाइव प्रूफ बताऊंगा तो सबसे पहले मेरे इस अकाउंट के ऊपर आपको बता देता हूँ। तो ये वाले हो गया एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने रील्स सेव करी थी वो ऑलरेडी मेरे पास में यहाँ पे सेव हो चुकी है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मान लीजिए जैसे कि मेरा सेकंड अकाउंट है वहाँ पे भी ये वाले रील्स यहाँ पे सेव हो चुके हैं। तो जो मेरा सेकंड अकाउंट है वहाँ पे मैं चला जाता हूँ एंड आपको ये भी बता देता हूँ। जैसे कि मेरे वाला सेकंड अकाउंट है एंड यहाँ पे मैं जाता हूँ थ्री डॉट के ऊपर एंड यहाँ पे थ्री डॉट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। देन यहाँ पे सेव का ऑप्शन देखने को मिल जाए तो सेव के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मैंने कलेक्शन का नाम दिया था वीकू वो भी आ चुका है एंड जो मैंने रील सेव करी थी वो वाली रील्स भी सेव हो चुकी है। देखो यार, काफ़ी लोगों को ये भी क्वेश्चन होते हैं कि यार मैं चाहता हूँ कि जो वाली रील्स है ओनली मेरे पास ही सेव होनी चाहिए यानी मेरे अकाउंट के ऊपर भी सेव होनी चाहिए, तो आप ये चीज़ भी कर सकते हो। तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, थ्री डॉट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है एंड आपको सेव का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको सेव के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्राइवेट वाला, ठीक है। बस आपको यहाँ पे क्लिक कर देनी है तो जो भी आपकी रील्स है वो यहाँ पर सेव हो जाएगी। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी रील्स अगर आप चाहते हो कि मुझे इस फ्रेंड के पास में सेव करानी है फिर इस फ्रेंड के पास में सेव करानी है तो वो भी कर सकते हो। जो अगर आप चाहते हो ये वाली जो भी रील्स है ओनली प्राइवेट के अंदर ही सेव होनी चाहिए तो आप ये चीज़ भी कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वाला अपडेट भी अच्छी लगी होगी एंड आपको ये वीडियो भी समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल आज का ये वीडियो अपन यही एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट भी कर देना एंड शेयर भी जरूर कर देना एंड चैनल के ऊपर पहली बार आया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी ऑन कर लेना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे हेल्पफुल वीडियो में डालता रहता हूँ। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं करा तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी एंड यूजर नेम भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। मैं भी इंस्टाग्राम के ऊपर डेली रील्स वीडियो अपलोड करता रहता हूँ जो कि ट्रिक एंड टिप्स के रिलेटिव है तो आपको वहाँ पर भी बहुत सारा नॉलेज मिलता रहेगा। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बाय बाय।